सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 17 पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। हम लोग भारत में रहते हैं, यह हमारा देश है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े महाज्ञानी, ऋषियों, महापुरुषों, वीरों का जन्म हुआ है। यहाँ पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सब धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हमारा भारत देश बहुत विशाल देश है। भारत की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। भारत के अनेक विशेषताएं हैं। भारत के राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो चलिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और पाठ 17 निकालिए। कविता का शीर्षक है हमारा भारत। बच्चों, हम इस चित्र में देख रहे हैं कि आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, झरने, पहाड़, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं शुद्ध उच्चारण के साथ कविता का वाचन करूंगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारा भारत, मिलकर गाते नन्हे बच्चे, तन के अच्छे मन के सच्चे, सबसे न्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। सूरज कहता चमक चमक कर, बिजली कहती दमक दमक कर, ज्ञान का ज्ञाता देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। नदियां झरने कल कल बहते, उमड़ उमड़ कर बादल कहते, आंखों का तारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। चिड़िया कहती चहक चहक कर, फूल कहते महक महक कर, जान से प्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। अब मैं इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों को श्वेत पट पर लिखते हुए बताऊंगी, ताकि कविता समझने में आप सबको कोई कठिनाई ना हो और वाक्य भी बनाएंगे। शब्दार्थ, नन्हे, नन्हे का अर्थ होता है छोटे। नन्हे से वाक्य बनाएंगे, हम नन्हे बालक हैं। तन, तन का अर्थ होता है शरीर। तन से वाक्य बनाएंगे, तन ढक कर रखना चाहिए। मन, मन का अर्थ होता है दिल। मन से वाक्य बनाएंगे, बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। न्यारा, न्यारा का अर्थ होता है निराला, अनोखा। निराला, अनोखा। न्यारा से वाक्य बनाएंगे, हमारा देश सबसे न्यारा है।
ज्ञाता, ज्ञाता का अर्थ होता है जानने वाला। जानने वाला। ज्ञाता से वाक्य बनाएंगे, महात्मा गांधी बहुत बड़े ज्ञाता थे। अब मैं हर एक खंड का अर्थ बताऊंगी। मिलकर गाते नन्हे बच्चे, तन के अच्छे मन के सच्चे, सबसे न्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चे मिलकर गा रहे हैं, उन्हें अपना देश भारत सबसे प्यारा लगता है। सूरज कहता चमक चमक कर, बिजली कहती दमक दमक कर, ज्ञान का ज्ञाता देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि भारत हमारा ऐसा देश है जिसमें सूरज और बिजली भी इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे भारत देश में ज्ञान का भंडार है। कई ऐसे महात्मा यहाँ जन्म लिए हैं जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। नदियां झरने कल कल बहते, उमड़ उमड़ कर बादल कहते, आंखों का तारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे भारत देश में अनेकों नदियां बहती है, झरने गिरते हैं, और ऐसा लगता है मानो वे अपने स्वर में भारत के गुणों का बखान कर रहे हों और हम सभी को अपना देश प्यारा लगता है। आगे देखेंगे बच्चों। चिड़िया कहती चहक चहक कर, फूल कहते महक महक कर, जान से प्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां चिड़िया और फूल भी इसका बखान करने से नहीं रुकती। सब किसी को भारत देश जान से भी प्यारा लगता है। बच्चों समझ में आया? अब मैं कविता को एक्शन के साथ बोलूंगी, आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। हमारा मिलकर गाते नन्हे बच्चे, तन के अच्छे मन के सच्चे, सबसे न्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। सूरज कहता चमक चमक कर, बिजली कहती दमक दमक कर, ज्ञान का ज्ञाता देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। नदियां झरने कल कल बहते, उमड़ उमड़ कर बादल कहते, आंखों का तारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। चिड़िया कहती चहक चहक कर, फूल कहते महक महक कर, जान से प्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। बच्चों हम लोग आप लोग खड़े हो जाइए और मेरे साथ एक्शन करके कविता बोलिए। हमारा भारत। मिलकर गाते नन्हे बच्चे, तन के अच्छे मन के सच्चे, सबसे न्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। सूरज कहता चमक चमक कर, बिजली कहती दमक दमक कर, ज्ञान का ज्ञाता देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। नदियां
क्या झरने कल कल बहते, उमड़ उमड़ कर बादल कहते, आंखों का तारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। चिड़िया कहती झक झक कर, फूल कहते महक महक कर, जान से प्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। बच्चों, हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। अब आप इस कविता को याद कीजिएगा। पाठ में दिए हुए शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप लोग लिखकर याद कीजिएगा। धन्यवाद।